पता चल जाए कि मुझे कैंसर होने वाला है तो आप बहुत ज्यादा प्रिक्यूशन रख सकते हैं या बहुत जल्दी आप कैंसर से ठीक हो सकते हैं, यानी कि कैंसर आपको पूरा पूरा नहीं हो उससे पहले आप उससे ठीक हो सकते हैं। अब मैं इसके कुछ आपको उदाहरण बताना चाहता हूं। जैसे आंत का अगर कैंसर आपको कभी भी होने वाला है तो आप मान के चलिए कि 2-3 महीने पहले आपको लेटरिन के अंदर, आप जो लेटरिन जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं खून आने लग जाएगा। अगर आपकी लेटरिन में कभी खून आता है, कभी रुक जाता है, वो चाहे काले रंग का है चाहे लाल रंग का है, तो इसका मतलब वो मान के चलोगे आपकी आंतों में, बड़ी आंत और छोटी आंत में, इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं मतलब कोई ना कोई नोट्स बन रही है, कोई गांठें बन रही है जिसकी वजह से आपको वो खून आ रहा है। अगर आपको आप खांसते हैं आपके कफ में सिंपली या मुंह में कभी भी अगर खून आता है, मान लो कभी एक बार खून आया रुक गया, फिर दूसरी बार खून आया रुक गया, काला खून आया रुक गया, जो कफ निकल रहा है उसमें हल्की हल्की सी धारियां अगर आपको दिखती है और लाल अगर डॉट्स दिखते हैं, इसका मतलब मान के चलो कि आपको फेफड़ों का कैंसर होने वाला है, मतलब तो एक संकेत आपको मिला। भारत में एक बहुत बड़ी कमजोरी है जो कल मैंने पढ़ी, कल जो मैंने स्टडी की, यहां डॉक्टर आपको 3-4 महीने तक घुमाता रहेगा कि आपको टीबी है, टीबी की जांच करवाओ, एक्सरे करवाओ, टीबी की जांच करवाओ। वो टीबी की जांच करते करते आखिर में डॉक्टर कहता ओ माई गॉड आई एम वेरी सॉरी, आपको तो कैंसर हो गया साहब। जबकि अगर मैं जो संकेत दे रहा हूं, अगर ये संकेत पे आप ध्यान दे देते हैं तो आप लंग कैंसर से 3 महीने पहले पता लगा सकते हैं कि मेरे को अब एक और ब्रेन ट्यूमर, आपको ब्रेन ट्यूमर होने के पहले आपको अगर अचानक जो सन्नाटा बोलते हैं जिसको, अचानक आपको आंखों के सामने कालापन आके और आप जमीन पे बैठ जाते हैं, कभी ऐसा होता है आप सोते सोते एकदम यू झटके से उठते हैं और आपको बेचैनी हो जाती है, हल्का सा पसीना हो जाता है और बहुत देर तक नींद नहीं आती है, मतलब आप मान के चलो कि आपको ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस है। आपको पहले जांच करवा लेनी चाहिए क्योंकि पानी आने से पहले अगर आप पार बना देते हैं, पानी को रोक लेते हैं, बांध बना लेते हैं तो बाढ़ भी आएगी। अब अगला एक कैंसर होने का तरीका, आपको लीवर में अगर कैंसर होने वाला है आप बहुत सचेत रहिए, आपके पेट में इस जगह अगर आपको कठोरपन लगने लगे, हल्का हल्का सा आपका जो पेशाब है उसमें थोड़ा थोड़ा सा पीलापन आने लगे और आपको भूख के प्रति रुचि आपकी कम होने लग जाए, मतलब मान के चलिए कि आपके लीवर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाली है, और लीवर में अगर प्रॉब्लम आपको आने वाली है तो उस लीवर की प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको लीवर की जांच करवा लेनी चाहिए, आप बहुत जल्दी पहले उससे बच सकते हैं। कैंसर में देखो अधिकतर जो रोगी है वो हॉस्पिटल तब जाते हैं जब आधे से ज्यादा लंका लुट चुकी होती है। कैंसर वाले मैटर में आधे से ज्यादा रोगी हॉस्पिटल में या नवग्रह आश्रम पे तो तब आते हैं कि जब 75% लंका लुट चुकी होती है, पैसा भी लुट चुका होता है और पेशेंट भी बिल्कुल कमजोर हो चुका था, तब जाके उनकी सेवा करने का हमें अवसर मिलता है। फिर भी यहां 70% पेशेंट ठीक होते हैं बिना कीमो, बिना रेडिएशन और बिना सर्जरी करवाए, ये बहुत जबरदस्त परसेंटेज है इस नवग्रह आश्रम का। और राजीव भाई दीक्षित एक विधि और बताते हैं, कैंसर आपको होने वाला है ना उसका एक संकेत बताऊं मैं आपको, अगर आपको किडनी में कैंसर होने वाला है या आपका जो ब्लेडर है पेशाब की जो थैली है यूरिन ब्लेडर उसमें अगर आपको कैंसर होने वाला है तो आपको आपका पेशाब कभी लाल आएगा, कभी एकदम 2-3 बूंद खून की आएगी और कभी बिल्कुल समझ आने लग जाएगा। अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, पेशाब की धार पूरी नहीं बन रही है, तो मतलब आपको प्रोस्टेट कैंसर होने के चांस है, आप पहले सचेत हो जाइए। उसमें करना क्या, तो ढोल थोड़ी बजाना, मान लो आपको हल्की सी एक बार दो बार प्रॉब्लम हुई और आप सचेत हो जाइए, सचेत होकर क्या करना, ये गौमूत्र लेना शुरू कर दीजिए, हल्दी डाल के लेना शुरू कर दीजिए, ग्वार पाठे का एलोवेरा का उपयोग शुरू कर दीजिए और आइए नवग्रह आसन और रक्त शोधन लेना शुरू कर दीजिए। कैंसर चोर नहीं आएंगे, उससे पहले आपने ताला लगा दिया, बात खत्म, मतलब आपको बर्बाद होने की जरूरत ही नहीं है। एक महिलाओं के लिए जो बच्चेदानी का जो कैंसर होता है उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत संकेत देता हूं, जैसे आपकी महावारी बंद हो गई और 3-4 साल हो गए आपको महावारी नहीं आ रही और उसके बाद में अगर आपको अचानक महावारी आ जाती है, अचानक आपको अगर खून, काला खून या लाल खून अगर आपके मतलब निकलता है तो निश्चित रूप के मान के चलिए कि आपको बच्चेदानी में कैंसर होने के पूरे चांस बन रहे हैं।
वो भी दो तीन महीने पहले अगर आपको पता चल जाता है एबनॉर्मल दर्द होता है, या आपको अचानक महावारी आ गई, या महावारी चल रही है आपकी, जैसे आपको 20 साल हो गए महावारी चल रही है, आपकी उम्र 40 साल है या 30 साल है, और आपको 5-6 साल से रेगुलर महावारी आ रही है, बिना आपकी प्रेगनेंसी के, बिना आपको गर्भ धारण किए अगर 2-3-4 महीने अचानक महावारी रुक गई, और फिर आपको अचानक रुकी आई, इस तरीके का अगर परिवर्तन होता है, तो मान के चलो कि आपको आपके बच्चेदानी में कैंसर होने के चांस है, तो आप 3 महीने पहले ही पता लगा सकते हो। एक महिलाओं के जो ब्रेस्ट है, जो स्तन है, उनमें जो कैंसर होता है, इसके लिए तो मैंने उस स्टडी में यह पढ़ा है कि 100% आप कम से कम 1 साल पहले पता लगा सकते हो कि मेरे को ब्रेस्ट कैंसर होने वाला। उसकी पहचान का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप कांच के सामने खड़ी हो जाओ, अपने कपड़े खोल के आप अपने दोनों स्तनों को 7 दिन में एक बार ध्यान से देखो, उसमें पूरा नजर गड़ा के, कि उसमें ऐसी कोई लाल लाल पन का कहीं निशान तो नहीं आ रहा। एक दूसरा, आप अपनी ये दोनों उंगलियां यू पूरे ब्रेस्ट पे घुमाओ, अगर कहीं पर भी आपको कोई हल्की सी भी गांठ, ऐसी गांठ महसूस हो जिस गांठ में से टीस उठती हो, हल्के से यू करंट जैसा दर्द होता हो, या उसको सामान्य तरीके से दबाने से अगर आपको दर्द होता है, तो मान के चलिएगा आपको 7-8 महीने बाद में ब्रेस्ट का कैंसर होने वाला। क्यों 8 महीने का इंतजार करें? अगर इस तरीके का है तो ग्वारपाठा रगड़ना शुरू कर दो, गौमूत्र और हल्दी लेना शुरू कर दो, और ले लो अपनी दवाई सामान्यतया जो हम बताते पहले ले लो, आपको कहीं खाट पकड़ने की जरूरत नहीं, ना हजारों रुपया बर्बाद करने की जरूरत है। एक कैंसर जो और होता है, जिस कैंसर की वजह से हजारों परिवार आज दिन तक मतलब बर्बाद हो चुके हैं, वो कैंसर आप लोगों को नहीं हो, इसके लिए पूरे परिवार में एक बात का ध्यान रखें, जो ब्लड कैंसर जो होता है, खून का जो कैंसर होता है, उसकी एडवांस में जांच करने का सबसे शानदार तरीका ये है कि अगर आपको 1 महीने में अचानक 3 किलो या 4 किलो से ज्यादा वजन अगर आपका कम हो जाता है, 3-4 किलो से ज्यादा वजन अगर 1 ही महीने में आपका अचानक कम हो गया, तो आप उसका कारण पता कर लीजिए। अगर और कोई आपके गंभीर कारण, जैसे आपको ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, एक्सीडेंट नहीं हुआ, या और कोई बीमारी नहीं हुई है, तो इसका मतलब आपको ब्लड कैंसर होने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। एक मैंने आपको यह बताया चमड़ी के रंग वाला, अगर आपके चमड़ी के त्वचा का जो रंग है वो धीरे धीरे फीका पड़ने लग गया, तो भी आप ये मान के चलिए, ये कहां का? अमेरिका। हमको पागल बना अमेरिकी की ग्लो आपकी अगर खत्म हो रही है, तो मान के चलो कि 3-4 महीने बाद में आपको ये कैंसर डिटेक्ट होने वाला है। तो ये मेरी जो स्टडी थी श्रीनगर आश्रम की, ये मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए बताई। धन्यवाद।